Ready? Go. Hey, wait. मित्रों, सोशल मीडिया की भाषा में लाड प्यार में बेटियों को पापा की परियां कहा जाता है। ये इतनी नाजों से पली होती है कि छोटे बड़े कामों में भी अनाड़ी रह जाती हैं। ऐसे में जब उन्हें ये काम करने पड़ते हैं तो वे कुछ ऐसा कर देती हैं जिन्हें देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। आज के इस वीडियो में हम पापा के परियों के कुछ ऐसे ही कारनामे लाए हैं जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो सावधान, बा मुलाइजा होशियार हो जाइए हंसने को तैयार, क्योंकि अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है पापा की परियां। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मिलते रहें हमारे सभी वीडियोस। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखकर पापा की ये परी स्कूटी रोकती है, लेकिन जमीन पर पांव रखने के बजाय दीदी गलती से अपने पांव फिर से स्कूटी पर ही रख लेती है। एक सेकंड। फिर क्या था, रोड के रास्ते दीदी सीधे नाले में जा उतरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पापा की परियों की खासियत होती है कि वे अपनी गलती कभी नहीं मानती। यहाँ इनकी स्कूटी गिरी हुई है और ये दोनों कार वाले से झगड़ रही हैं। कुछ देर बाद इनमें से एक लड़की अपनी स्कूटी आगे खिसकाती है। इसी दौरान स्कूटी की रेस दब जाती है और वो दीदी को पीछे छोड़ आगे निकल जाती है। ये सारा माजरा आपने भी देख लिया, लेकिन यहाँ भी दीदी सारा इल्जाम पीछे खड़े लड़के पर मढ़ देती है। वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना दीदी तो अपना खेल खेल ही चुकी थी। चीटिंग 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 करता है तू। यहाँ ये मोहतरमा अपनी कार को इन कारों के बीच में पार्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार पार्किंग की जगह को लेकर वो ढंग से अंदाजा नहीं लगा पा रही। यहाँ तक कि उसने जगह को अपने कदमों से भी नाप लिया, इसके बावजूद वो सही गुणा गणित नहीं लगा पा रही है। इसी दौरान पीछे वाली कार की मालकिन वहाँ आ जाती है और मानवता के नाते उस मोहतरमा की कार पार करवाने में मदद करने लगती है। काफी देर मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों कार को पार कराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रुको जरा, सबर करो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्या है? यहाँ ये मैडम जी बीच सड़क पर अपनी स्कूटी को मोड़ने की कोशिश में ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर घुमा देती है। फिर क्या था, स्कूटी रुकने के बजाय गोल 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 घूमने लगती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इससे पहले कि इसको कोई संभालने आता, मैडम जी ने गिरकर उनकी मेहनत और बढ़ा दी। वैसे आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मैडम जी कब गिरेगी कब गिरेगी। उड़ने की ख्वाहिश में पापा की ये परी तो दुकान में ही जा घुसी, जिसे देखकर इस दुकान वाले के तो होश फाख्ता हो गए। ये सोच में पड़ गया कि आज सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था, जो दुकान बैठे ही ये मुसीबत आ गई। कंट्रोल कंट्रोल। आने वाले खतरे से बेखबर ये हाथी और उसका महावत सड़क पर खड़े रहते हैं कि तभी पापा की परी उड़ते हुए आई, महावत की दोनों टांगों में स्कूटी को फंसाकर उड़ा कर ले गई। स्कूटी में ब्रेक भले ही हो, लेकिन पापा की परियां हमेशा अपने जूतों से ही ब्रेक लगाती हैं। यहाँ ये दीदी भी कुछ ऐसा ही कर रही है, लेकिन अफसोस इनकी स्कूटी ने इनकी एक न सुनी। नतीजतन दीदी की स्कूटी कार से जा भिड़ी। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ ये ट्रेनर पापा की इस परी को तैरने की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो क्या जाने कि पापा की परियां तो सिर्फ उड़ना जानती है, तैरना नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। कुछ काम बेहद सोच समझ कर करने चाहिए, वरना नतीजे खतरनाक हो सकते हैं बरखुरदार, जैसा कि यहाँ हुआ। इस लड़के ने आंख मूंद कर अपनी दीदी पर भरोसा किया। नतीजा आपके सामने है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। पता नहीं पापा की इन परियों को किसने बोल दिया कि ये उड़ सकती हैं, और ये बिचारी इस बात को सच भी मान लेती हैं। तभी तो स्केटिंग से सीधा उड़ने की तैयारी। वाह दीदी वाह, शाबाश। मॉल में पापा की इन परियों को न जाने क्या मस्ती सूझी कि ये चलते एस्केलेटर से रोलर पर चढ़ने लगी। इसकी देखा देखी करना उसकी सहेली को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि वो तो चढ़ गई लेकिन वापस उतरने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए।
नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। फिर तो वो ऐसे लटकी कि सीधा गिर कर ही मानी। दुल्हन बनी ये पापा की परी बिना लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटर चलाते हुए वारी वारी जाओं पर रील बना रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद जो होता है वो आपको लोटपोट कर देगा। A few moments later, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 6,000 रुपए का चालान काटकर दीदी को घर भेज दिया और इसी तरह वारी वारी जाओं की रील में दीदी को वेरी वेरी वरिड कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस दीदी का तो क्या ही कहना, जो कार को चलाकर नहीं बल्कि धक्का लगाकर पार्क कर रही हैं। काफी जद्दोजहद के बाद दीदी आखिरकार अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। पापा की इस होनहार परी की अथक मेहनत पर एक लाफिंग इमोजी तो बनता है मेरे दोस्त। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इन बाइक्स पर ये कार पार्क नहीं की गई, बल्कि ये तो पापा की एक परी का कारनामा है। लेकिन इसने ये कैसे किया होगा, सब लोग यही सोचकर हैरान हैं। लगता है दीदी ने गलती से बैक गियर लगाकर क्लच छोड़ दिया था। बाकी काम तो गाड़ी ने खुद ही कर लिया होगा। वैसे भी पापा की परियों की कहां कोई गलती होती है। इतना सब होने के बावजूद दीदी के एक्सप्रेशन देखकर तो यही लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ ये पप्पा जी अपनी परी को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस ट्रेनिंग के बाद जब परी ने उड़ान भरी तो पप्पा जी अरे 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 कहते रह गए। पापा की परियों से कोई भी सेफ नहीं है, न तो ये ठेले वाले और न ही ट्रैफिक पुलिस वाला। इनके ये कारनामे देखकर तो मुझे रोड पर चलने से भी डर लगता है, क्योंकि इनकी तो कोई गलती ही नहीं होती। जो सामने आ गया उसकी तो कोई खैर नहीं। उड़ी उड़ी जाए पापा की परी देखो उड़ी उड़ी जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर इतराती हुई बलखाती हुई वीडियो बनवाती इस लड़की को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसे देखो, अरे इस लड़की को नहीं रे बाबा, पेट्रोल भरने वाले भैया को। देखो बेचारा कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। अब जैसे ही इसने अपना काम खत्म किया वैसे ही पापा की ये परी जागी और इसे ले उड़ी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप ही बताइए बेचारे इस वर्कर की क्या ही गलती थी। वैसे यहाँ भी परियों का तर्क यही होगा कि गलती वर्कर की है जो बीच में आ गया। ये लड़की यादगार के तौर पर इस वेडिंग मोमेंट का वीडियो बना रही थी, लेकिन भविष्य के चक्कर में वो वर्तमान को भुला बैठी और सीधे जा पहुंची नाले में। वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन दीदी ये मोमेंट पक्का जिंदगी भर ना भूलेगी। अपने दोस्त के साथ सैर पर निकली ये लड़की व्लॉग बना रही है। इसी दौरान वो अपने फ्रेंड को भी फॉलोअर्स को हेलो बोलने के लिए कहती है। अब लड़के ने जैसे ही फोन में देखा और वैसे ही खेल पलटा और भैया जी बाइक समेत झाड़ियों में। लेकिन हाय री व्लॉग का कीड़ा, पापा की परी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि उसका दोस्त गिरा पड़ा है, उसे तो बस अपने व्लॉग की चिंता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। तौबा तेरा गुस्सा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। आप भी रोड पर बाइक जरा ध्यान से चलाइए, क्योंकि पापा की ये परी कहीं से भी टपक सकती है और अपनी स्कूटी घुमा घुमा कर किसी भी गाड़ी में कहीं भी ठोक देती है। Women. स्कूटी पर जा रहा ये कपल अपने आप डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। ये वीडियो देखकर आपको भी समझ आ रही होगी, लेकिन पापा की ये परी इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो तो पीछे से आ रहे बाइकर पर गिराने का इल्जाम लगा देती है। नहीं रहा था क्या? भाई दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो तो शुक्र था कि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना दीदी तो अपना खेल खेल चुकी थी। समझ रहे हो ना, यहाँ सच दज कर आई ये लड़की किसी की वेडिंग सेरेमनी में अपनी स्टाइल में खाने का लुफ्त लेने ही वाली होती है कि एक वीडियोग्राफर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसके बाद दीदी में जो बदलाव आता है वो देखकर आप भी कह देंगे कि दीदी
इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। बहन डर गई, बहन डर गई। स्केटिंग की शौकीन ये पापा की परी भूल गई कि हर किसी जगह पर स्केटिंग करना खतरे से खाली नहीं होता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन इसके बाद दीदी को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको पापा की परियों के ये कारनामे कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।